मेरठ में राशन के गेहूं से भरी 6 गाड़ियां पुलिस ने बरामद की हैं। इन गाड़ियों में आम जनता के लिए जारी किए गए सैकड़ों बोरी गेहूं की खेप काला बाजारी कर फ्लोर मिल में ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए इन गाड़ियों को जब्त कर लिया। साथ ही इस काला बाजारी में शामिल 9 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अधिकारी को सूचना मिली कि राशन का जो राशन के जो गेहूं है वो काला बाजारी के लिए फ्लोर मिल में बेचे जा रहे हैं। इस बेसिस पे हम लोग यहाँ मौके पर तत्काल आ गए। हमारे एसपी साहब भी, मजिस्ट्रेट साहब भी है, और पता चला कि यहाँ पर 6 गाड़ियाँ हैं, उसमें 4 ट्रैक्टर हैं, 2 DCM है, पूरा जो हमारा PDS का जो बोरे हैं उसमें मोहर भी लगी है, वो पूरा यहाँ पर आया हुआ है। कोई कागजात नहीं है। प्रथम दृष्टया ये चोरी का लगता है, राशन का फ्लोर मिल में बेचा जा रहा है। 9 लोग भी साथ में पकड़े गए, जिसमें 3 लोग कथित अपने आप को किसान बता रहे हैं, लेकिन कोई उनके पास कोई कागज नहीं है। आम जनता के हिस्से का गेहूं किस तरह से काला बाजारी कर फ्लोर मिल पर पहुंचाया जा रहा है, इसका एक नज़ारा मेरठ में दिखा है, लेकिन पूरे यूपी में ये गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। जरूरत है कि पुलिस इन काला बाजारियों की बाहें मरोड़े, ताकि आम जनता के निवाले को लूटने से बचाया जा सके। पंजाब केसरी TV के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।